हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो फार्माकोनोसी का चैप्टर नंबर 3 है, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द क्रूड ड्रग। ठीक है, इस चैप्टर को आज हम कंप्लीट देखेंगे। और चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, पहले क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द ड्रग देखेंगे, ठीक है, फिर एडल्ट्रेशन ऑफ द ड्रग देखेंगे, फिर एवोल्यूशन ऑफ द क्रूड ड्रग देखेंगे, और जिनके जो अलग अलग मेथड्स हैं, मॉर्फोलॉजिकल, ऑर्गेनोलेप्टिक या माइक्रोस्कोपिक एवोल्यूशन, फिजिकल एवोल्यूशन और केमिकल एवोल्यूशन और बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, इनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अगर आप नोट्स का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहाँ से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द क्रूड ड्रग, ठीक है, पहले एडल्ट्रेशन ऑफ द ड्रग देखेंगे। एडल्ट्रेशन मतलब क्या है? ठीक है, द टर्म एडल्ट्रेशन इज डिफाइंड एज ए सब्सटेंस और सब्स्टिट्यूशन ओरिजिनल क्रूड ड्रग पार्टिकल ली। ठीक है, यानी एक सिंपल वर्ड से बताऊँ, एडल्ट्रेशन का मतलब है कोई भी प्योर चीज में हम मिलावट कर देते हैं, ठीक है, उसी में सेम सब्सटेंस डाल देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बताएं तो मिल्क में पानी डाल देते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको एडल्ट्रेशन कर रहे हैं। कैसे? कि उसकी क्वांटिटी बढ़ रही है और कलर भी सेम है, एट द एंड देखें तो कलर तो सेम है ना। ऐसे ही ड्रग्स में अगर हम सेम टाइप का ड्रग और किसी प्योर ड्रग में मिला रहे हैं, यानी सेम टाइप का ड्रग नहीं है वो, उसमें लो मतलब उतनी पावर नहीं है जितनी इसमें है, थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं है, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है, केमिकल प्रॉपर्टी अलग है, लेकिन फिर भी मिलावट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी बढ़ाई जा सके। ठीक है, देखिए, होली विथ अदर सिमिलर लुकिंग सब्सटेंस, यानी जो सिमिलर दिखता है, जो दूसरा सब्सटेंस सिमिलर दिखता है उसके साथ मिलावट मिला देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एडल्ट्रेशन। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एडल्ट्रेशन। ठीक है, टाइप ऑफ एडल्ट्रेशन की बात करें तो एडल्ट्रेशन में भी टू टाइप्स की होती है एडल्ट्रेशन। पहला है यूनि अनइडेंटियल एडल्ट्रेशन। ठीक है, इट अकर्स विदाउट एनी बैड इंटरेक्शन ऑफ द मैन्युफैक्चर और सप्लाई। अनइडेंटियल एडल्ट्रेशन में भी ड्यू टू वेरियस रीजन, यानी ये विदाउट एनी बैड इंटेंशन के द्वारा की जाती है, यानी इसका कोई बैड इंटेंशन नहीं है। ठीक है, मैन्युफैक्चर और सप्लायर करते हैं। ठीक है, और एडल्ट्रेशन किसकी वजह से हो जाती है? यानी जो मतलब गलती से हो जाए उसे हम क्या बोलेंगे? उन्हें अनइंटेंशनल एडल्ट्रेशन बोलेंगे। ठीक है, और वो किस वजह से हो जाती है? वो वजह ये है। ठीक है, किस रीजन्स की वजह से हो जाती है? वो है लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, यानी कभी नॉलेज नहीं रह पाती हमें किसी भी ड्रग की या किसी भी चीज़ की, और वो मिलावट मिला देते हैं, तो उस वो एक गलती हो जाती है। ठीक है, और सेकंड कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभार। ठीक है, कंफ्यूजन की वजह से भी, नेम कंफ्यूजन, उन नेम की कंफ्यूजन की वजह से भी, और सिमिलैरिटी वजह से भी, यानी मैंने अभी बताया था जो सिमिलर प्रोडक्ट होते हैं उनको मिला देते हैं, यानी सिमिलर ड्रग हो या सिमिलर कोई भी चीज़ उस जैसी दिख रही हो उसे हम मिला देते हैं, तो वो सिमिलरली होती है तो हमें पता नहीं चलती है वो ओरिजिनल है या नोकल है। ठीक है, लैक ऑफ ऑथोरेटिक प्लांट की वजह से, यानी मतलब जो ऑथोरेटिक प्लांट हैं, जो थेरेपेटिक प्लांट हैं, इनकी कमी की वजह से भी। ठीक है, सिमिलैरिटी इन कलर, यानी कलर में सिमिलर होने की वजह से, केयरलेस कलेक्शन की वजह से। ठीक है, अननोन रीज़न, ठीक है, और अननोन रीज़न की वजह से। ठीक है, ये सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से अनइंटेंशनल एडल्ट्रेशन हो जाती है, और ये की नहीं जाती, मतलब हो जाती है। ठीक है, इसका कोई बैड इंटेंट नहीं होता, यानी किसी की करने की कोई वजह नहीं होती है, लेकिन वो हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इंटेंट एडल्ट्रेशन की, तो ये क्या है कि ये खुद करते हैं, यानी दो तरह के होते थे बताए थे एडल्ट्रेशन, एक जो गलती से हो गया वो, लेकिन इसमें क्या करते हैं इंटेंटियल एडल्ट्रेशन में कि वो खुद से करते हैं। ठीक है, तो इनके रीजंस क्या क्या है? देखिए, एडल्ट्रेशन यूजिंग मैन्युफैक्चरिंग सब्सटेंस, यानी एडल्ट्रेशन करते हैं कब? जो मैन्युफैक्चरिंग सब्सटेंस बन रहे हो जब। ठीक है, ये एक फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, सब्स्टिट्यूशन यूजिंग इंटरफेरर कॉमर्शियल वेराइटीज, यानी कॉमर्शियल वेराइटीज के लिए, ठीक है, लिए भी किए जाते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन यूजिंग एक्सटोटेड ड्रग्स की वजह से लिए भी। ठीक है, एडल्ट्रेशन यूजिंग द वेजिटेबल पार्ट ऑफ द सेम प्लांट, यानी एडल्ट्रेशन और वेजिटेबल के सेम पार्ट से भी की जाती है। ठीक है, एडिंग ऑफ टॉक्सिक मटेरियल, ठीक है, टॉक्सिक मटेरियल ऐड करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, यानी आपने जो फील्ड में, यानी जो खेत में जो भी खाद या जो भी अब
इनऑर्गेनिक चीज़ें उसमें मिलाई जा रही हैं इनऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, तो उसमें वो टॉक्सिक मटेरियल भी डाला जा रहा है, लेकिन उससे कुछ बेनिफिट है इसलिए डाला जा रहा है, ये है टॉक्सिक मटेरियल डालना यानी प्योर में, ठीक है, एडल्ट्रेशन ऑफ पाउडर करना, ठीक है, एडिंग ऑफ सिंथेटिक प्रिंसिपल को ऐड करना, ठीक है, ये दोनों है, ठीक है, ये तो हो गई एडल्ट्रेशन टाइप्स की बात, ठीक है। अब देंगे एवोल्यूशन ऑफ ड्रग एडल्ट्रेशन, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ ड्रग एडल्ट्रेशन मीन्स कंफ्यूजिंग ऑफ इट्स आइडेंटिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटिटी प्योरिटी एंड डिटेक्शन ऑफ द नेचर ऑफ एडल्ट्रेशन, ठीक है। यानी एवोल्यूशन ऑफ ड्रग एडल्ट्रेशन का मतलब ये है कि हमें ये फाइंड आउट करना है जो हमारे पास ड्रग है इसमें कितना एडल्ट्रेंट है, ठीक है, यानी इसमें कितना एडल्ट्रेशन हुआ है, उसी को हम क्या बोलते हैं एवोल्यूशन ऑफ ड्रग, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग इज नेसेसरी बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन, यानी जो एवोल्यूशन ऑफ ड्रग है ये नेसेसरी है किन किन रीजन की वजह से, वो है रोल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ बॉटनिकल सोर्स, यानी बॉटनिकल सोर्स का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, ठीक है, वेरिएशंस इन बॉटनिकल्स, ठीक है, वेरिएशंस इन बॉटनिकल्स के लिए भी, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द क्रूड ड्रग मटेरियल, यानी क्वालिटी कंट्रोल करना क्रूड ड्रग मटेरियल की, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन एडल्ट्रेंट, यानी कॉमन एडल्ट्रेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए भी करते हैं, ठीक है, सेफ्टी असाइनमेंट डॉक्यूमेंट फॉर टॉक्सोलॉजी एक्टिविटीज, यानी सेफ्टी असाइनमेंट डॉक्यूमेंटेशन करना किसके लिए, टॉक्सोलॉजिकली एक्टिविटीज के लिए, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द क्रूड ड्रग, यानी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द क्रूड ड्रग करना, ठीक है, ये रीजंस हैं जिनके लिए हम एवोल्यूशन ऑफ द क्रूड ड्रग करते हैं, ठीक है। अब देखिए मेथड कौन कौन से हैं, द मेथड फॉर एवोल्यूशन ऑफ द क्रूड ड्रग, यानी किन किन मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा एडल्ट्रेंट है इसमें एडल्ट्रेशन में और कितना एडल्ट्रेशन हुआ है, ठीक है। तो पहला है मॉर्फोलॉजिकल या ऑर्गेनोलेप्टिक एवोल्यूशन, ठीक है, क्या है पहला, मॉर्फोलॉजिकल या ऑर्गेनोलेप्टिक एवोल्यूशन, ठीक है। सेकंड है माइक्रोस्कोपिक एवोल्यूशन, ये क्वेश्चन 3 3 मार्क्स में आ सकता है कि राइट द मेथड ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है, तो ये आपको लिखना है फिजिकल एवोल्यूशन है, केमिकल एवोल्यूशन है और बायोलॉजिकल एवोल्यूशन है, ठीक है। आगे हम इनको एक एक करके देखते हैं, तो पहले फिजिकल एवोल्यूशन की बात करते हैं, तो फिजिकल स्टैंड ऑट टू बी डिटरमाइंड फॉर द ड्रग वेन एवर पॉसिबल, यानी फिजिकल स्टैंड ये क्या है डिटरमाइन कर सकता है, वेन एवर पॉसिबल यानी जब जब पॉसिबल है ये डिटरमाइन कर सकता है, ठीक है। दे मे हेल्प इन एवोल्यूशन स्पेशली विद इन रेफरेंस स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी ये हेल्प कैसे करता है, जो स्पेसिफिक चीज़ होती है जैसे जो हमारा कोई मटेरियल है, ठीक है, उसकी ग्रेविटी डेंसिटी ऑप्टिकल रोटेशन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स या मेल्टिंग पॉइंट या सॉलिबिलिटी ये क्या है ये फाइंड आउट, यानी हमारा एक जैसे प्योर ड्रग है, ठीक है, उसका एक कंफर्म होता है कि उसकी इतनी डेंसिटी होगी, इतनी ऑप्टिकल रोटेटिंग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होंगे, मेल्टिंग पॉइंट इतनी होगी, वाइसोसिटी होगी, सोलिबिलिटी हमें पता होता है। अगर उसी में कोई अगर एडल्ट्रेशन मिलाया गया है तो ये क्या होगा, इसमें डिफरेंस आ जाएगा, किसमें, उसकी डेंसिटी में, ऑप्टिकल रोटेटिंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में, मेल्टिंग पॉइंट में, वाइसोसिटी में और सॉलिबिलिटी में उसके डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है, इन डिफरेंट सॉल्वेंट ये इसकी डिफरेंस आ जाएगा कोई भी अगर हम अदर एडल्ट्रेंट डालते हैं तो, ठीक है, उससे हमें पता चल जाता है कितना एडल्ट्रेंट है, कितना इसमें डाला गया है, कितना ओरिजिनल है, ठीक है, कितना यानी प्योर फॉर्म में है, ठीक है, इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड बात करते हैं केमिकल एवोल्यूशन की, ठीक है, केमिकल कंप्रेस ऑफ डिफरेंट केमिकल टेस्ट, यानी केमिकल कंप्रेस इसमें डिफरेंट केमिकल टेस्ट और केमिकल एसेस के द्वारा की जाती है, ठीक है, आइसोलेशन किया जाता है, प्योरिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट एंड केमिकल मेथड ऑफ द एवोल्यूशन, क्वालिटेटिव केमिकल टेस्ट सच एज एसिड वैल्यू सेप्रोफिकेशन वैल्यू एक्सेट्रा, इट हेल्प इन द प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस ऑफ द क्रूड ड्रग, यानी इसमें हम क्या करते हैं कि अलग अलग केमिकल टेस्ट करते हैं, ठीक है, आइसोलेशन हो गया, प्योरिफिकेशन हो गया, ठीक है, और स्पेसिफिकेशन हो गया, एसिड वैल्यू, ये सब ये एसिड वैल्यू और स्पेसिफिक वैल्यू हम चेक करते हैं, तो उससे क्या पता चल जाता है कि जो हमारा क्रूड ड्रग है उसका प्रॉपर एक फिक्स होता है और जो हमने मिलावट किया होगा उसका भी एक आएगा आंसर, तो इन दोनों को जब हम चेक करते हैं केमिकल टेस्ट में दोनों को, तो हमें पता चल जाता है कि जो ये जो मिलावट का है, जो एडल्ट्रेशन का है, इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट रहता है, ठीक है, केमिकल टेस्ट करते हैं जब, ठीक है। और थर्ड है बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, ठीक है, द एस्टिमेशन ऑफ द पोटेंशियल ऑफ द क्रूड ड्रग इज डन बाय द मीनिंग ऑफ इट इफेक्टिव ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी लाइक बैक्टीरिया, फंगल ग्रोथ, एनिमल टिश्यू,
एंटेस एनिमल्स, इट्स कॉल्ड बायो एसे, ठीक है। यानी बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में बात करें तो जो हमारा क्रूड ड्रग है वो बायोलॉजिकली कैसे अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे कैसे शो कर रहा है, उसका इफेक्ट कैसे शो कर रहा है। अगर वो प्योर फॉर्म में होगा तो अलग इफेक्ट शो करेगा, अगर वही मिलावट का होगा तो वो अलग इफेक्ट शो करेगा। तो हम उससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें कितना क्वांटिटी में एडल्ट्रेशन किया गया है, ठीक है। बायो एसे इज द मेजरिंग ऑफ द सिंपल वेन टेस्टेड कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द बायोलॉजिकल इफेक्ट दैट ऑफ स्टैंडर्ड प्रिपरेशन। यानी बायो एसे का मतलब ये है कि इसमें टेस्ट किया जाता है कि जो प्रोडक्शन बायोलॉजिकल इफेक्ट है वो कितने हैं, यानी क्रूड ड्रग का बायोलॉजिकल इफेक्ट वो कितना है, किससे फाइंड आउट किया जाता है, वो बायो एसे से, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल एवोल्यूशन या ऑर्गेनोलेप्टिक, ठीक है। इट रिफर्स टू एवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग बाई कलर ऑर्डर टेस्ट साइज शेप स्पेसिफिक फीचर्स लाइक टच टेक्सचर एंड साउंड। यानी इसमें क्या है, इसमें हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके कलर से, ड्रग के कलर से, उसके ऑर्डर से, उसके टेस्ट से, साइज से, शेप से, और कुछ टच और टच टेक्सचर या साउंड से हम उसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। जो अलग अलग डिफरेंस है हमें पता चल जाता है। द स्टडी ऑफ फॉर्म ऑफ क्रूड ड्रग इज मॉर्फोलॉजी वाइल डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉर्म इज मॉर्फोग्राफी। यानी स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग हम क्या बोलेंगे, मॉर्फोलॉजी बोलेंगे, लेकिन वहीं पे अगर उसकी डिस्क्रिप्शन देंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, मॉर्फोग्राफी, ठीक है। द एडल्ट्रेशन ऑफ सीड ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस वोमिका विद द सीड ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस ब्लैंड ब्लैंडा और स्ट्रेप्टोकोकस पोटेटरम केयरवे विद इंडियन डिल्टिल एलेक्जेंडर सीना विद डॉग सीना इज आइडेंटिफाइड बाई द मॉर्फोलॉजिकल टेक्निक्स। यानी ये एग्जाम्पल्स हैं, जैसे जैसे ये सीड क्या है और ये क्या है, ये डॉग का है, ठीक है। जो एलेक्जेंडर सीना डॉग है वो डॉग सीना इज आइडेंटिफाई बाई द मॉर्फोलॉजिकल टेक्निक से वो आइडेंटिफाई किया जाता है ऐसे, ठीक है। अब हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक एवोल्यूशन के बारे में। तो दिस द माइक्रोस्कोपिक एवोल्यूशन ऑल्सो कवर स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट बाई अप्लाइंग ए केमिकल टेस्ट। यानी इसमें केमिकल टेस्ट भी अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग इन पाउडर फॉर्म एंड हिस्टोरिकल सेक्शन ऑफ ड्रग, ठीक है। यानी इसमें क्या है कि पूरे ड्रग पे नहीं, खाली हम स्मॉल क्वांटिटी के ड्रग लेंगे, उस पर केमिकल टेस्ट करके उसे हम माइक्रोस्कोप से मेजर करते हैं, ठीक है। मेथड ऑल्सो अलाउ डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ ड्रग इट कैन बी आइडेंटिफाई। यानी इससे डिटेल एग्जामिनेशन हो जाती है जो हमारा ड्रग है, और वो आइडेंटिफाई भी हो जाता है, ठीक है। ऑर्गेनाइज ड्रग बाई देयर ओन हिस्टोरिकल कैरेक्टरिस्टिक, यानी हिस्टोरिकल कैरेक्टरिस्टिक, यानी उसके हिस्टोरिकल जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं उसके कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके कैरेक्टर क्या क्या हैं, उससे भी पता किया जा सकता है कि इसमें कितना एडल्ट्रेशन किया गया है, ठीक है। हिस्ट्री स्टडी और मेड अप ऑफ मेनी थिन सेक्शन ऑफ द ड्रग, यानी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा थिन सेक्शन में की जाती है, ठीक है। माइक्रोस्कोपी वाइज द वाइटल ऑफ इट्स प्रॉपर्टी टू मैग्निफाई परमिट्स द मिनरल स्ट्रक्चर अंडर द स्टडी ऑफ एनलार्ज एंड कैन बी यूज कंफर्म स्ट्रक्चर डिटेल ऑफ द ड्रग फॉर द प्लांट ओरिजिन। यानी माइक्रोस्कोपी से क्या है कि उनका जो ड्रग का स्ट्रक्चर है वो हमें क्लियरली विजिबल हो जाता है, जिससे हम मेजर कर सकते हैं और डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है, जो भी प्लांट से ओरिजिन हो रहा है, ठीक है, स्ट्रक्चर की डिटेल स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। ये भी हो गया, ठीक है, ठीक है। तो आज हमने किस कौन सा चैप्टर देखा, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द क्रूड ड्रग, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है, ये एवोल्यूशन देख लिया हमने, ठीक है। और अगर आप पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, और वीडियो क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ से भी आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और लाइक शेयर करें, लाइक करें और अपने फार्मेसी फ्रेंड्स में शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है।